जैसे कि हम सभी जानते हैं कि Xiaomi के स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं, साथ ही उनकी जो प्राइसिंग भी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है, और उसी के साथ हमें कमाल के स्पेसिफिकेशन भी फोन में देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ जो Xiaomi की Redmi सीरीज होती है जो कि बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन लॉन्च करती है, वहाँ पर हमें जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिलते हैं, साथ ही जो प्राइसिंग देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल ही हमें Redmi की तरफ से Redmi 9 देखने को मिला था, फोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन हमें उसमें देखने को मिले थे। तो इस साल अब Redmi अपना नया स्मार्टफोन Redmi 10 को लॉन्च करने वाला है, तो आज की इस वीडियो में Redmi 10 के बारे में ही बात करते हैं। कुछ लीक्स में इसके स्पेसिफिकेशन सामने आ रखे हैं, तो बात करते हैं क्या होने वाले हैं इसके स्पेसिफिकेशन, क्या होने वाली है इसकी प्राइसिंग, और हर वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताते हूँ क्या फोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तो बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स, वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों Redmi 10 की स्पेसिफिकेशन की बात करें, उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पहले आराम से पूरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बोलिए, वहाँ पर जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। इसी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं Redmi 10 की स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों बात करें फोन की स्पेसिफिकेशन की, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि पंच होल डिजाइन के साथ आती है। साथ ही यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट फोन में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको फोन में देखने को मिल जाता है। इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ फोन में जो आपको GPU का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको माली G52 GPU का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें फोन के कैमरा स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिससे प्राइमरी कैमरा 50MP का, 8MP का वाइड एंगल कैमरा, 2MP का माइक्रो शॉट सेंसर और 2MP का आपको टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करो फ्रंट की, तो वहाँ पर आपको 8MP का सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि फोन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा सा कम लग रहा है। इसी साथ कैमरा स्पेक्स की बात कर लेते हैं फोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। बात करूँ फोन में कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही USB Type-C का सपोर्ट और साथ ही 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी आपको फोन में देखने को मिल जाता है। इसके साथ फोन में आपको सेंसर्स के मामले में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, सारी सेंसर आपको फोन में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप बात करें फोन की प्राइसिंग की, तो लगभग फोन की प्राइसिंग 10,000 से 15,000 के बीच में होने वाली है। इस प्राइस रेंज के बीच में आपको Redmi 10 देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है लॉन्च की, तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन भी आ रहे हैं ये ऑफिशियल तौर पर अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन जो है ये लीक्स में सामने आ रहे हैं, तो कंपलसरी कह भी नहीं सकते हैं इन स्पेसिफिकेशन साथ फोन लॉन्च होगा भी या नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो लीक्स सामने आ रहे हैं ट्रस्टेबल सोर्सेज की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग फोन आपको यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि इन्हीं स्पेसिफिकेशन फोन लॉन्च होने वाला है, तो उसका अगर एक अज्यूम लगाएं कि हमको अगर 6GB रैम और 128GB वाला इंटरनल वाला वेरिएंट लगभग 14,000 के आसपास भी देखने को मिलता है, तो फोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है और उसके लिए आप वेट भी कर सकते हैं। तो अगर इस प्राइस रेंज में फोन लॉन्च होता है तो फोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्पेसिफिकेशन आता है। फिर कैमरा की बात करो या डिस्प्ले की बात करो, तो हर जगह आपको कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और Redmi 10 अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। दोस्तों इसी के साथ Redmi 10 आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जानते हैं I really appreciate your time.